दर्शन क्या है? प्रिय जिज्ञासुओं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और दर्शन पर जो ये चर्चा है, बहुत ही व्यवहारिक ढंग से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन का अर्थ है देखना, सीधी सी बात है। मान लीजिए कि कोई स्त्री है, कोई नारी है, कोई औरत है, आपने उसे देखा और देखने के बाद आपसे पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो आपने उत्तर दिया कि मैंने एक स्त्री को देखा, मैंने एक नारी को देखा। लेकिन जब आपसे पूछा गया, आपने ये बोलने के बजाय आपने ये कहा कि मैंने एक बहन को देखा, मैंने एक माँ को देखा। जब आपने ये कहा कि आपने एक स्त्री को देखा, तो आपने सिर्फ देखा। लेकिन जब आपने ये कहा कि मैंने एक माँ को देखा, मैंने एक बहन को देखा, तो आपने दर्शन किया। यद्यपि यह सत्य है कि दर्शन का अर्थ तो देखना ही होता है, लेकिन दर्शन और देखने में अंतर है, इसीलिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। देखना एक अलग विषय है। देखना मतलब इन चरम चक्षुओं से देखना, किसी भी वस्तु का दृष्टिगोचर होना ही देखना है। लेकिन दर्शन अर्थात इन चरम चक्षुओं से नहीं, चरम चक्षु तो देखने का एक माध्यम मात्र है, देखता तो मन है, जीव है, वो देखे और जिस वस्तु को देखा जा रहा है उस वस्तु के सार तत्व को देखे, उसके भावनात्मक सार तत्व रूप को देख ले, उसका दर्शन कर ले, तो उसे दर्शन कहा जाएगा। दर्शन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ है समझ जाना। लाइट, मान लीजिए बिजली चली गई, सारे लाइट ऑफ हो गए, सारे लाइट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट्स जितने थे सब ऑफ हो गए, सब बंद हो गया। बिजली आई तो बल्ब जला, बल्ब जला तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लाइट आ गई। लेकिन उस लाइट के अंदर आपने क्या देखा? उस बल्ब को नहीं देखा, आपने बिजली को देखा। यद्यपि नेत्रों से तो बिजली दिखाई नहीं दे रही, नेत्रों से तो हमें प्रकाश दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? वो बिजली के कारण हो रहा है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, आई तो लाइट थी लेकिन करंट आ गया, बिजली आ गई। हम जब पावर हाउस में जाते हैं तो लाइट की सप्लाई लेने नहीं जाते, हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लेने जाते हैं। तो इसी प्रकार से दर्शन अपने अंदर एक सार गर्भित विषय है, इसलिए हम दर्शन के दर्शन को समझें। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द होता है फिलॉसफी। ये जो फिलॉसफी है ये क्या है, इसका भी अपना एक दर्शन है, ट्रांसलेशन दर्शन का फिलॉसफी इंग्लिश में, लेकिन अर्थ अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों का दर्शन देखेंगे आप, सार देखेंगे, तो वो एक ही निकलेगा। अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी का अर्थ होता है फिलॉस एंड सोफिया, दो लैटिन भाषाओं के शब्द से को मिलाकर यह बना है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी, फिलॉस मतलब प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान, विजडम। लव ऑफ विजडम इज फिलॉसफी।
कोई ज्ञान से प्रेम करता है तो फिलॉसफी है, लेकिन ज्ञान क्या है? विजडम का अर्थ समझिएगा, विजडम का मतलब नॉट नेगेटिव नॉलेज, पॉजिटिव नॉलेज, ऑलवेज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इज विजडम, हमेशा सकारात्मक विचार, ज्ञान जो कि सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो, उसी को विजडम कहते हैं। तो विजडम, लव ऑफ विजडम इज फिलॉसफी, और वही बात जो ज्ञान से देखता है, ज्ञान की दृष्टि से देखता है, जो चिंतन दृष्टि से देखता है, जो मात्र बाहरी दृष्टिकोण से वस्तुओं को नहीं देखता, वो दर्शन है। अब भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा रूप है, लेकिन इस केंद्र में कौन है? जब हम दर्शन कहते हैं तो दर्शन का सीधा सा, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि आप भारतीय दर्शन, भारत में जो यद्यपि जो एक सिस्टम है दर्शन शास्त्र की पढ़ाई लिखाई का, लोग बीए एमए पीएचडी करते हैं दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में एमफिल करते हैं, तो फिलोसफी में जो एमफिल करते हैं, जो वो करते हैं, वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हम यहां पर दर्शन का दर्शन के बारे में बताएंगे, दर्शन के बारे में, ना कि हम सिर्फ दर्शन, उसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी, उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती है। लेकिन अगर आप वास्तव में भारतीय दर्शन का कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढेंगे तो मिलेगा आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट लाइक ए सिनोनिम ऑफ फिलॉसफी, बट इन वेस्ट, पश्चिम में, पश्चिम के अंदर जब हम जाएंगे तो फिलॉसफी का अर्थ अध्यात्म नहीं है उस, और अध्यात्म के केंद्र में, भारतीय दर्शन के अध्यात्म के केंद्र में चेतना है। हम जब भी, जब दार्शनिक व्यक्ति, जब ऋषि मुनि महापुरुष, जिनको, जिसे हम बुद्ध, महावीर, पतंजलि, इनकी श्रेणी में जब हम कहते हैं, उनकी दृष्टि जब किसी चीज को देखती है, किसी व्यक्ति को देखती है, तो उसके शरीर को नहीं, उसकी चेतना को देखती है। तो देखना, हम किस ढंग से किसी चीज को देखते हैं, मात्र बाहर से देख लेते हैं या उसके अंदर, कुर्सी है, चेयर है, हमने इस कुर्सी को देखा, प्लास्टिक की है, लकड़ी की है, जिस भी तत्व से बनी है, लेकिन वो एक बैठने का स्थान है। जब हमने ये कहा कि वो एक बैठने का स्थान है तो यहां पे दर्शन है। जब हमने कहा कि ये तो एक प्लास्टिक का चेयर है, कुर्सी है, लेकिन जब कहा कि बैठने का स्थान है, दिस इज द प्लेस टू सिट, बैठने का स्थान है, तो यहां पर दर्शन है। छोटी सी घटना है, भक्तिमयी मीराबाई, उनके घर में शादी ब्याह था, एक फंक्शन था, उन्होंने देखा कि दुल्हन बड़ी सजी हुई है, उसका विवाह हो जाएगा, इतना सजना पड़ता है, मुझे भी सजने का मौका मिले। अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ मेरा भी विवाह कर दे, मुझे भी पति चाहिए, तू बता मेरा पति कौन है। माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति उठाई और मीराबाई के हाथ में पकड़ा दी और मीराबाई से कहा कि यही तेरा पति। अब 5 वर्ष की बालिका उसे क्या समझाए कि पति कौन होता है, क्या होता है। पकड़ा दिया मीराबाई ने उस श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्त को लेकर, कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा नहीं है कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल। अब मीरा को उस मूर्ति में, श्री कृष्ण की छवि में अपना पति नजर आने लगा, अपना जीवन साथी दिखने लगा, और उस बात ने मीराबाई के मन को इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि मीराबाई की संपूर्ण चेतना, भावनाओं की, विचारों की एकाग्रचित हो गई श्री कृष्ण में। और जब भावनाएं एकाग्र होती हैं तो चमत्कार करती हैं। यद्यपि मीराबाई सार तक पहुंच गई, ऐसा तो नहीं था, वो तो संत रैदास की सानिध्य में गई और वहां से अपने आत्मा परमात्मा के सब रहस्य को समझा, और मीराबाई ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से जो दिया है वो शायद दे पाना इतना सरल नहीं है, आसान नहीं है, ये किसी
म्यूजिशियन से जाकर आप पूछे, जो भारतीय संगीत के शास्त्रीय संगीत के जानकार हो उनसे पूछे कि मीराबाई ने क्या दिया है संगीत के क्षेत्र में, तो आपको बताए। तो इसलिए दर्शन, मीराबाई का दर्शन कृष्ण था। और जब आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ गई, चेतना के उच्चतर अवस्था को मीराबाई ने प्राप्त किया, तो कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और यह भी कहा कि राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सब एक है, सबको जान लिया, अंतर्घट में उस ईश्वर को जान लिया। तो दर्शन अर्थात जो सार गर्भित तत्व है उसको जान लेना, मात्र देखना नहीं, उसकी क्षमता को पहचान लेना और उसको व्यवहार में ले आना, ये भारतीय दर्शन का विस्तार है, उसका विस्तार है। लेकिन जब हम पश्चिम में जाते हैं, वहां कहा तो जाता है फिलॉसफी अर्थात लव टू विजडम, बट वहां पर तर्क का महत्व बहुत है। सुकरात प्लेटो के समय को हम पढ़े तो उस समय सभाएं बैठती थी सुकरात की, तर्क हुआ करता था। उस समय के जो दूसरे विद्वान थे, जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट उस टाइम पर हुआ करते थे, तो वो उनके साथ तर्क हुआ करता था, शास्त्रार्थ हुआ करता था, लॉजिकली किसी सिचुएशन पर, किसी कंडीशन, किसी डिसीजन पर पहुंचा जाया करता था तर्कों के द्वारा। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, परिवेश में तर्क भी थे, शास्त्रार्थ भी थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत सारे शास्त्रार्थ किए बहुत सारे विद्वानों से, लेकिन साथ ही साथ शास्त्रार्थ तक सीमित नहीं था, संपूर्ण दर्शन, भारतीय दर्शन की एक विशेषता है, उसका साक्षात्कार, उसकी व्यवहारिकता इन चरम चक्षुओं को बंद करके शुरू होती है। जब नेत्र मूंद जाते हैं, अंदर की दृष्टि खुलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ना तो माम शक्यशे दृष्टुं मननेव स्वचक्षुषा, अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यवै योगमैश्वरम, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू मेरा दर्शन करेगा। दर्शन और देखना। तद्वदी प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति इति ज्ञानं ज्ञायस्तत्वदर्शिनः, अर्जुन तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, वो स्वयं दर्शन किया वो दिखाएंगे, तुम्हें भी दिखाएंगे, तुम्हें भी दर्शन देखना। और दर्शन का अर्थ पता चला कि देख तो बहुत बड़ी चीज ली, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या देखा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ दर्शन के ही होते हैं, वो देखने का विषय ही नहीं होता, वो दर्शन का विषय होता है। क्योंकि दर्शन के अंदर मात्र देखना नहीं होता, दर्शन के अंदर एक समझ होती है, दर्शन के अंदर एक शक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि बंदर के हाथ में नारियल क्या करेगा, उसने ले भी लिया तो। इसलिए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को मिल भी गया तो क्या, जब उसके सार को, उसकी शक्ति, उसके ताकत को ना वो समझते हैं, ना व्यवहारिकता में ले आ पाते हैं साधना के द्वारा, तो कोई लाभ नहीं। इसलिए भारतीय दर्शन बहुत गहराई, भारतीय दर्शन के अंदर, भारतीय दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो है चेतना, चैतन्य। अगर हम भारतीय दर्शन के सिस्टम को समझने का प्रयास करें तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक, सामाजिक रूप से आस्तिक शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वास करना, और जो नहीं विश्वास करता ईश्वर में वो नास्तिक है। जो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, हम उसे नास्तिक कह देते। लेकिन नहीं, भारतीय परिवेश के अंदर, भारतीय व्यवस्था के अंदर, दर्शन शास्त्र की व्यवस्था के अंदर, इसे आस्तिक वो है जो वेदों को प्रमाणिक मानता है, और जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता वो नास्तिक है। तो नास्तिक दर्शन के अंदर तीन दर्शन रखे गए, बौद्ध, जैन और चार्वाक। और आस्तिक दर्शन के अंदर वैदिक दर्शन जो थे, जो वेदों को प्रमाणिक मान के चलते थे, उनके अंदर सांख्य, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिकी और योग। सांख्य सबसे प्राचीनतम दर्शन है और मुख्य दर्शन सांख्य को कहा गया है, मुख्य, मेन, प्रिमिटिव भी हम कह सकते हैं, मुख्य है।
मेन है, प्रिमिटिव कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रारंभिक है और मुख्य है। तो ये जो दर्शन है, कैसे इसको समझा जाए, आस्तिक और नास्तिक को समझना है या वेदों के अनुकूल है, जो वेदों के प्रामाणिक मानते हैं वास्तिक, जो वेदों के प्रामाणिक नहीं मानते वो नास्तिक। अब इनमें ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद भी है। जो छह दर्शन है, षड दर्शन के अंदर तीन दर्शन अनिश्वरवादी और तीन दर्शन ईश्वरवादी, न्याय, वेदांत और वैशेषिक। ये तीन दर्शन ईश्वरवादी हैं, इनका केंद्र, इनकी चर्चा का केंद्र ईश्वर है, परमात्मा भगवान है। और ये तीन दर्शन मीमांसा, सांख्य और योग, ये तीन दर्शन अनिश्वरवादी कहे गए हैं, क्योंकि इनकी चर्चा का केंद्र ईश्वर नहीं है। प्रश्न उठता है कि वैदिक भी है और अनिश्वरवादी भी है। बिल्कुल, अनिश्वरवाद वेदों का विषय है, लेकिन इस अनिश्वरवाद को, क्योंकि अनिश्वरवाद सुनते, अरे अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ही दिमाग में ले आते हैं। अब बौद्ध दर्शन भी तो अनिश्वरवाद है, यद्यपि बौद्ध दर्शन एक डिराइव्ड फिलॉसफी है, किससे, सांख्य से। सांख्य से ही योग विकसित हुआ पतंजलि का, और सांख्य से ही बुद्ध का दर्शन विकसित हुआ है। लेकिन वो वेदों को प्रमाणिकता, जब बुद्ध से पूछा गया क्या आप वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, तो वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं वेदों को मानता हूं या नहीं मानता हूं, मैं लोगों के दुख दूर कर रहा हूं, ये संसार दुखमय है और इसके दुख करने का साधन मैं दे रहा हूं, उस साधना के मार्ग में लोगों को लगा रहा हूं, तुम आओ और प्राप्त कर। तो लेकिन जो विकसित हुआ, उन्होंने वेदों को नकारा भी नहीं और वेदों को स्वीकृति भी नहीं दी, एक मध्य का रास्ता, एक बीच का रास्ता अपनाया। यद्यपि मध्य मार्ग के नाम से बुद्ध का अष्टांग मार्ग प्रसिद्ध हुआ, पतंजलि का अष्टांग योग, दोनों में अंतर है, फर्क है काफी, फिर भी विकसित हुए सांख्य से और अनिश्वरवाद को इन्होंने रखा, अर्थात ईश्वर को केंद्र बनाकर ये नहीं चलते थे। बौद्ध दर्शन का संपूर्ण केंद्र एक बात थी कि यह संसार दुखमय है और इसको लेकर सारी बातें शुरू होती है। योग दर्शन में जाएंगे तो वहां भी ईश्वर केंद्र नहीं है, सांख्य दर्शन में भी ईश्वर केंद्र नहीं है, मीमांसा में भी नहीं है, लेकिन वेदांत, न्याय और वैशेषिक ईश्वर को केंद्र मानकर चलते हैं। इसलिए ईश्वरवादी है तो वैदिक, लेकिन ईश्वरवादी है इसलिए क्यों, अनिश्वरवाद कैसे, वेदों से अनिश्वरवाद कैसे आया, ईश्वर की अवहेलना हुई, ऐसा भी नहीं है। उनके कहने का एक ढंग है, बात को रखने का एक तरीका है। अब बौद्ध दर्शन ही अनिश्वरवाद है तो फिर बुद्ध, तथागत बुद्ध किसके ध्यान में बैठे हुए, ये प्रश्न उठता है, वो किसका ध्यान करते हैं, जानने की आवश्यकता है। फिर अनिश्वरवाद कैसे, फिर नास्तिक कैसे, नास्तिक तो इस कारण से क्योंकि वैदिक नहीं है। तो ये दर्शन का विस्तार है, भारतीय दर्शन का इस प्रकार से विस्तार है। सब एक ही बात करते हैं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जितने दर्शन है, बौद्ध, जैन, चार्वाक छोड़ दीजिए, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, घुमा फिराकर वो एक बात पर टिकते हैं, एक ही बात पर टिकते हैं, घुमा फिराकर कहीं ना कहीं एक ही बात समझाना चाहते हैं। तो ये इसकी एक रूपता भी है, इसलिए राम को पूजने वाला बुद्ध को भी पूज देता है, उसको फर्क नहीं दिखाई देता है कोई भी। तो इसलिए बहुत विस्तृत विषय है। पहले तो दर्शन के दर्शन को समझ लें कि दर्शन का दर्शन क्या है। तो भारतीय दर्शन, दर्शन का अर्थ है सार गर्भित तत्व का दर्शन करना, उसे देखना। एक व्यक्ति दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए है, लंबे लंबे बाल है, उसकी दाढ़ी है, साधु जैसा वस्त्र पहना हुआ है, आपने उसके अंदर क्या देखा। आज के परिवेश में हम अगर कहें कोई व्यक्ति लंबे लंबे दाढ़ी बाल बढ़ाकर हमारे सामने आ जाए, तो अरे कोई साधु होगा, ढोंगी हो कहीं, पाखंडी हो कहीं, तो यह भी एक दर्शन है, गलत हो सकता है, लेकिन आपने उस व्यक्ति के अंदर वो देखा। श्री कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं, युद्ध भूमि में दोनों खड़े हैं,
अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण को मित्र कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं तो अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे गुरुदेव हुए और मैं आपका शिष्य हुआ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। अब तक तो मित्र थे, अब गुरु हो गए। कैसे? कृष्ण कोई दाढ़ी बाल बढ़ाकर माथे पे तिलक लगाकर कोई साधु वेश धारण करके थे नहीं, वैसे भी राजा थे, द्वारकाधीश थे और उस समय सारथी थे अर्जुन के, उस समय अर्जुन के सारथी बने हुए थे, तो सारथी के वेश में थे, कोई संत या साधु के वेश में नहीं थे। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण के अंदर अपना गुरु दिखाई देने लगा, ये दर्शन है, गुरु दिखने लगा, ये दर्शन है। जब हम किसी संत के दर्शन, गुरु के दर्शन करने जाते हैं तो एक देखना और दर्शन में अंतर है। इस फर्क को समझ जाएंगे तो हम दर्शन को समझ जाएंगे। दर्शन शास्त्र में क्यों, अगर अनिश्वरवाद है तो ईश्वरवाद है तो क्यों है? जब हम एक एक दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप से, एक सिस्टम में पढ़ाई लिखाई जो एजुकेशनल सिस्टम है, पीएचडी का, एमए का, वो एक अलग विषय है कि उसमें कैसे कैसे विषयों को पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी को कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर व्यवहारिक रूप से हर तथ्य को, हर दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। कोई पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आपको बताएंगे तो वो फिर आम आदमी के लिए समझने लायक नहीं रहेगा। तो उसके सार को जब हम समझ जाएंगे, मीमांसा कहना क्या चाहता है, सांख्य कहना क्या चाहता है, वेदांत क्या कहना चाहता है, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, चार्वाक क्या कहना चाहते हैं, एक एक विषय पर, एक एक दर्शन को हम सही से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारतीय दर्शन, उसके बाद बौद्ध, जैन और चार्वाक की चर्चा होगी, लेकिन भारतीय दर्शन को हम मीमांसा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि मीमांसा का संबंध पूजा पाठ कर्मकांड से है। मीमांसा दर्शन क्या कहना चाहता है? जैमिनी मुनि हुए इसके लेखक, इसके रचनाकार, वो क्या समझाना चाहते, उन्होंने वेदों से क्या निकाला और क्या हमारे सामने मीमांसा के रूप में रखा, मीमांसा दर्शन के रूप में रखा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य है बस एक ही है, संशय दूर हो, पाखंड दूर हो, सनातन धर्म को लोग सही से समझे और अपने जीवन को एक दिशा दे पाए, अपने जीवन के मार्ग को निश्चित कर पाए कि हमें जीना कैसे है। ये सारी बातें हमारे जीवन जीने की समस्याओं का समाधान करेंगी। इसलिए हर बात इस दर्शन को, मीमांसा का हम अध्ययन करेंगे, मीमांसा पर हम चर्चा करेंगे तो मीमांसा को अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे कैसे मीमांसा दर्शन हमारे जीवन में क्या देता है। अब तक तो हमने सुना था, हाँ षड दर्शन होते, उसको जानकर हम क्या करेंगे, लेकिन जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ है। लेकिन लोग अनभिज्ञ हैं, कई गुरु हैं वो अपना मंत्र दे रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं, लेकिन यथार्थ से दूर रख रहे हैं। अरे कोई जरूरत नहीं ये सब पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं ये सब जानने की, करो जो हमने मंत्र दिया बस उसको रटते चलो। लेकिन इसीलिए तो पिछले भी वीडियो में मैंने कहा कि लोगों को ध्यान कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ध्यान होता क्या है, करना क्यों है, किस उद्देश्य के लिए करना है। तो ये कई विषय है, धीरे धीरे एक एक विषय को स्पष्ट किया जाएगा। आज मुख्य रूप से बस दर्शन किसे कहते हैं, दर्शने ही अनेन इति दर्शना, हमारे शास्त्र कहते हैं दर्शने ही अनेन इति दर्शना, अर्थात सार गर्भित तत्व को देखना, मूल तत्व को देखना, किसी भी अस्तित्व के मूल तत्व को देखना, मूल कारण को देखना दर्शन है। कोई भी वस्तु अगर अस्तित्व में है तो उसके अस्तित्व के पीछे जो मूल कारण है उसको देखना दर्शन है, और हमारे अस्तित्व के पीछे मूल कारण हमारी चेतना है, इसलिए चेतना को जानना दर्शन है, चेतना को देखना दर्शन है, अपने घट के भीतर चैतन्य का दर्शन दर्शन है। इसी के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को समझ में आए, वो जाने और अपने जीवन को और सरल बना सके, सुगम बना सके, सुखी बना सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। इसी भावना से इस सारे व्याख्यान आपको दिव्य सृजन समाज के इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। धन्यवाद।